जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है उनके फरवरी से लेकर मई तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। एन नाम वाले लोग जो होते हैं बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, भावुक व्यक्ति होते हैं, भावुक स्वभाव होता है इनका और इनको अवसरों का भरपूर फायदा उठाना आता है। आज के नुकसान को कल के फायदे में बदलने की हिम्मत रखते हैं ये लोग। वफादार और भरोसेमंद साथी होते हैं जो कभी भी अपने परिवार या मित्रों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो। चालाकी और धोखा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखते हैं, उनसे भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं। ये लोग ईमानदार और सज्जन किस्म के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों से नफरत करते हैं जो इनसे झूठ बोलते हैं या इनको गुमराह करते हैं। राशिफल की बात करें, शिक्षा के मामले में आपको बहुत एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। ये चारों महीने ऐसे होंगे, खासकर अप्रैल तक का समय ऐसा होगा जब शिक्षा के मामले में ज्यादा एकाग्रता बनाकर रखने की जरूरत होगी। मई का महीना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके शिक्षा के मामले में, और शिक्षा के मामले में अगर आप एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा पाएंगे और शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एकाग्रता बनाकर नहीं रखी तो शिक्षा में आप देखेंगे आपकी एकाग्रता बार बार भंग होती रहेगी और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका साहस बढ़ा रहेगा। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम भी मिल पाएंगे और ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नज़र आएंगे। फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता भी मिलेगी और उसके बाद का जो समय है वहाँ पर भी अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई व्यापार कारोबार है तो वहाँ पर आपको 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का समय जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। और 23 अप्रैल से 31 मई तक के समय में थोड़ा सा आपको व्यापार कारोबार या नौकरी में संघर्ष देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। खासकर 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और व्यापार कारोबार नौकरी के लिए सामान्य सा समय रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। धन और आय के मामले में अगर हम बात करें तो धन और आय के मामले में आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, उसके बाद आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। धन का आवागमन भी सुचारू रूप से जारी रहेगा, लेकिन खर्चे आपको बहुत परेशान करने वाले हैं और खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। आपकी जो आय होगी उसमें अचानक लाभ और अचानक हानि जैसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको अचानक कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। जिस लाभ की आपने उम्मीद नहीं की है वो लाभ मिल सकता है, लेकिन अचानक ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो वहाँ पर आपका धन और आय के मामले में सारा बजट खराब हो सकता है। तो इसलिए बजट बनाकर चलें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों के मामले में रोमांटिक समय रहने वाला है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रह सकता है, खासकर 30 अप्रैल तक के समय में। मई का महीना बेहतर परिणाम दिखा सकता है और आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और शंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, इसलिए शंकाओं से बचकर रहें, गलतफहमियां ना होने दें। प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर रखेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। खासकर 30 अप्रैल तक के समय में प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों के मामले में मई का महीना सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा और मई से पहले का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद ना करें, नहीं तो वो वाद विवाद बड़े हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाकर रखें और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद है तो इन चार महीनों में सबसे बेहतर महीना जो रहेगा मतभेद सुलझाने के लिए। अगर बड़ा कोई मतभेद है तो मई का महीना सबसे बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। फरवरी के महीने में भी प्रयास किया जा सकता है और वहाँ पर भी सफलता आपको मिल सकती है। छोटे मोटे मतभेद आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखकर चलना होगा। आपकी संतान के साथ वाद विवाद से बचना है, वरना वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वाद विवाद गलतफहमियाँ देखने को मिल सकती हैं।
और अपनी माता के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तभी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो भी स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह है कि स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें तो स्वास्थ्य के मामले में ये 4 महीने सामान्य सा परिणाम आपको दिखाएंगे। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।